हेलो नमस्कार साथियों, मैं HNY आप सभी का प्यारे प्यारे छात्रों में अपने इस प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की जो गति है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसकी संख्या ग्रोथ करती जा रही है। इसी को देखते हुए आदर्श क्लासेस की पूरी टीम आप सभी के लिए, अपने बच्चों के लिए करंट अफेयर का आज के बाद में प्रतिदिन का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण MCQ होंगे वो मैं 5 करंट अफेयर लेकर के आने की कोशिश करूंगा और ये 5 करंट अफेयर आपके YouTube चैनल पर जाएगा और आप वहां से हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं आज आपके बीच में 21 तारीख है, 21 अक्टूबर है, मैं आज 5 करंट अफेयर लेकर के आया हूँ और वह करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप उसे ज़रूर देखेंगे। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ आज के 5 करंट अफेयर से पहले कुछ मोटिवेटेड पॉइंट पे। ज़रा देख लीजिए, यदि वक्त आपकी परीक्षा ले रहा है तो परिणाम घोषित होने तक धैर्य रखिए, क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई विजेता नहीं बनता। ये तो बात एकदम करेक्ट है। अगर वक्त आपकी परीक्षा ले रहा है तो परिणाम घोषित करने के वक्त तक आप धैर्य रखिए, क्योंकि बिना परीक्षा लिए कोई भी सफल नहीं हो सकता, विजेता नहीं हो सकता। इसी के उद्देश्य से आप चलिए कि नहीं, हमारा काम है, हम कर्म करेंगे, फल हमारे लिए जरूर मिलेगा। तो आज का मैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रखता हूँ, इसे ज़रा देखेंगे। आपके सामने यह करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि दिसंबर 2024 में ICC के नए अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ लेंगे। जल्दी आप इसको देख लेंगे, दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, यही जो आपके अभी अक्टूबर चल रहे हैं उसके बाद दिसंबर आएगा, तो उसमें कौन सा ICC के नए आपको चीफ के रूप में शपथ लेंगे और वह ICC को फ्लो करेंगे। तो ज़रा देख लो मेरे भाई, मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर के डिटेल्स में लेकर के चलता हूँ। किसकी बात हो रही है? तो बात हो रही है आपको ICC की। किसकी बात हो रही है मेरे दोस्त? बात हो रही है ICC की। ज़रा देख लेंगे, आप थोड़ा देखेंगे, बात हो रही है हमारे ICC की, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ICC का जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अगर वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ग्रेग बर्कले। क्या उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेग बर्कले। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको दुबई में है। समझ गए मेरी बात को? इसका मुख्यालय कहाँ है तो आपको दुबई में है। अब जरा समझिए, ICC का वर्तमान अध्यक्ष जो आपको बर्कले हैं, वे जो बर्कले हैं आपको अपने अध्यक्ष पद की पूर्ति करेंगे कब? दिसंबर 2024 में इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कार्यकाल क्या हो जाएगा मेरे भाई? समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो ICC के नए अध्यक्ष के रूप में, अब नए अध्यक्ष के रूप में जैसे ही समाप्त होगा दिसंबर के अंदर, नए अध्यक्ष के रूप में जय शाह, कौन सा? जय शाह ICC के नए चेयरमैन बनेंगे, नए चेयरमैन की शपथ लेंगे। बात हमारी समझ रहे हैं? ये जय शाह नए चेयरमैन की शपथ लेंगे। जय शाह, अगर आपको मैं लेकर के चलूं जय शाह के बारे में, तो ये जय शाह अभी आपको फिलहाल ही में BCCI के क्या थे? चेयरमैन थे। BCCI के क्या थे मेरे भाई? BCCI के सचिव थे। समझ गया हमारी बात को? मतलब जो भी खजाने का देख रेख करना होता था वो आपको जैसा है। और इनकी जो नियुक्ति हुई है, अब जो इनकी नियुक्ति हुई है मेरे भाई, वो ICC के चेयरमैन के रूप में हुई है। ICC के चेयरमैन के रूप में हुई है, जो दिसंबर 2024 में, जो दिसंबर 2024 में क्या करेंगे, वो शपथ लेंगे, ICC के चेयरपर्सन के रूप में शपथ लेंगे। आपसे अगर कोई पूछे कि राहुल द्रविड़ क्या है, तो राहुल द्रविड़ को हम लोग क्रिकेट का दीवार मानते हैं, आप सभी समझते हैं क्रिकेट का दीवार है राहुल द्रविड़। समझ गए हमारी बात को? भारतीय आपको बल्लेबाज है, टेस्ट के माहिर खिलाड़ी थे राहुल द्रविड़। विशेष हमारे जो इंडिया क्रिकेट टीम है, भारत की जो क्रिकेट टीम है, इसके क्या थे?
इसके आपको क्रिकेट टीम का कोच थे, क्रिकेट टीम का क्या थे, कोच थे। अब इन्होंने क्रिकेट टीम के कोच से मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब नए जो कोच बने हैं मेरे दोस्त, नए जो कोच बने हैं वो गौतम गंभीर बने हैं। कौन गंभीर? गौतम गंभीर। आपको गौतम गंभीर नए कोच बने हैं भारतीय टीम के, नए कोच बने हैं गौतम गंभीर। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये आपके सामने हमने इस प्रश्न का डिटेल्स दिया, आईसीसी का नया चेयरपर्सन आपको हमारे भारतीय जैसा होंगे दिसंबर 2024 में शपथ लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो बी इज द राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने, इसका प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अब चलिए हम आगे आपको लेकर के चलते हैं। अगला प्रश्न दो नंबर हमारा होगा, जरा देख लीजिए। दो नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहली बार प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद या शेख अब्दुल्ला? आपको इसमें से आपका जवाब चुनना है, आप जल्दी जवाब चुनिए। ठीक है, नहीं तो ये तो लाइव चल नहीं रहा, लेकिन आपको मैं लेकर के चलूंगा इस प्रश्नों के डिटेल्स पे। आपको तो अगर जवाब आ रहा होगा तो आ गया होगा। तो जरा देखिए मेरे लाल, इस प्रश्न का मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रश्न का जो जवाब होगा अब मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा किसकी बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की। किसकी बात हो रही है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर, जम्मू और प्लस कश्मीर, ये जम्मू प्लस कश्मीर हो गया, गौर करेंगे जरा। अब जम्मू कश्मीर जो था यहाँ 370 धारा लागू था, 370 धारा क्या था मेरे भाई, लागू था, लेकिन 370 धारा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, 370 धारा को हटा दिया गया, हटा दिया गया। अब हटाने के बाद, 370 धारा के हटाने के बाद यहाँ 10 साल तक चुनाव नहीं हुआ, 10 साल तक चुनाव नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब आप समझिए, मतलब जम्मू कश्मीर में 370 धारा जब हटा तो यहाँ 10 साल तक चुनाव ही नहीं हुए। अब 10 साल तक जब चुनाव नहीं हुए तो क्या था, तो वहाँ आपका राष्ट्रपति शासन था। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। अब हमारी बात समझिए, जब ये राज्य हुआ करता था मेरे दोस्त, तब यहाँ क्या था, 370 धारा लागू थी, लेकिन 370 धारा को 2019 में क्या कर दिया गया, मतलब 370 धारा को हटाया गया और ये जो राज्य था, इस राज्य की सारी शक्ति क्या कर दी गई, शक्ति को, सारी शक्ति को छीन ली गई और छीन करके इसको क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। समझ गया हमारी बात को, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 में, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू एंड कश्मीर में पहला चुनाव हुआ है, पहला चुनाव हुआ है आपको अक्टूबर 2024 में, पहला चुनाव हुआ है अक्टूबर 2024 में। और इस केंद्र शासित प्रदेश में टोटल जो विधानसभा की सीट है, विधानसभा की सीट है मेरे भाई वो 90 है। समझ गए हमारी बात को, 90 है। और 90 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी सीट जीती, 42 सीट जीती। कांग्रेस ने कितनी सीट जीती, गौर करेंगे, कांग्रेस ने कितनी सीट जीती, 6 सीट जीती। हमारी बात समझिएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ बीजेपी ने कितनी सीट जीती, लगभग 28 से 29 सीट जीती। बात हमारी समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर बहुमत के लिए कितना चाहिए, तो 46 सीट चाहिए। तो 42 तो पहले का था, कांग्रेस का 6, 48 और 4 जो निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़े थे स्वतंत्र रूप से, वो भी निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या कर दिया, यहाँ पर अपना सहयोग कर दिया कि नहीं भाई हम सरकार में शामिल होना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। तो 42, 6, 48, 4 कितना हो गए, 52 सीट यहाँ पर हो गई आपको, मतलब इंडिया गठबंधन की, और यहाँ इंडिया गठबंधन की 29। अब आपको मैं लेकर के चलूँगा कि जो जम्मू कश्मीर है और ये जो कश्मीर है, तो कश्मीर में आपको यहाँ 43 सीट है और यहाँ 47 सीट है, गौर करेंगे जरा। जम्मू में 43 सीट, 43 सीट में केवल जम्मू में बीजेपी को 29 सीट मिला है
और कश्मीर में 47 सीट है जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने जम्मू में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। तो सरकार बन गई यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और जब सरकार बन गई तो 46 4 50 6 42 4 46 6 कितने होंगे 52 सीट लेकर के उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके प्रथम मुख्यमंत्री बनने का तगमा प्राप्त किया है। उमर अब्दुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उमर अब्दुल्ला पहली बार ये मुख्यमंत्री, इससे पहले भी इन्होंने मुख्यमंत्री का पद शपथ लिया था जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन जब 370 धारा वहाँ लागू थी तब वहाँ एक राज्य था तब, समझ गए हमारी बात को। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वो ए इज द राइट उत्तर हो जाएगा मेरे शेर बहादुर, ए इज द राइट उत्तर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे लेकर चलता हूँ। कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? इसमें एक ऑप्शन आपका नहीं है, समझ गए हमारी बात को, एक ऑप्शन नहीं है, ये जो सी ऑप्शन जो है मेरे भाई वो नहीं है, अल्जीरिया है, मॉरिटानिया है, मॉरिशस है, ठीक है, और एक आप लिख लेंगे जापान है, समझ गए हमारी बात को, जापान है, समझ गए। तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसने दी है, कौन सा देश इसमें से दिया है, ठीक है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि। तो आपको मैं लेकर के चलूंगा मेरे भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसकी बात कह रहे हैं हम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात हम कह रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति है जिन्होंने किसका, अल्जीरिया का मारिटानिया का, गौर करेंगे जरा, मारिटानिया का और मलावी का, समझ गए, इन तीनों देशों का पहली बार दौरा करने वाली कोई भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी है प्रथम बार, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और जब द्रौपदी मुर्मू गई यहाँ पे तो हुआ क्या, अल्जीरिया ने ये अफ्रीकी महादेश के राज्य हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि किस महादेश के, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अफ्रीकी महादेश के ये आपको देश हैं, अफ्रीकी महादेश के ये देश हैं, सबसे बड़ा इसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्जीरिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या दिया, अल्जीरिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है, मानद डॉक्टरेट की क्या दी, उपाधि दी है, यहाँ पर भी आपको जानकारी होना चाहिए, समझ गया हमारी बात को, मानद डॉक्टरेट की उपाधि यहाँ पे सम्मानित किया हमारे यह अल्जीरिया ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये इज द राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल करें कि ऐसे देशों में पहली बार यात्रा करने वाली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो आपका जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की एक और कहानी है, यह हमारे देश की पहली आदिवासी महिला का मतलब राष्ट्रपति बनने का तगमा प्राप्त किया, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो इस सवाल का आंसर जो होगा मेरे भाई, सवाल का जो आंसर होगा आपका ए इज द राइट उत्तर हो जाएगा, बात हमारी समझ गए। अब चलिए हम आपको आगे लेकर चलता हूँ, सवाल नंबर आप 4 पे आ जाइए। कह रहा है कि वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा बना है, बरमूडा, मॉरिशस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जल्दी जवाब दीजिए, आपका दिमाग इस पर काम करना चाहिए, अब आप जवाब दीजिएगा, सोच लीजिए दिमाग पे, उसके बाद हमारे आंसर का डिटेल्स समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ, GNI किसकी बात कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर GNI की, किसकी बात हो रही है, GNI, गौर करेंगे जरा, GNI कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ नेशनल इनकम, ठीक है, ग्रोथ नेशनल इनकम 2024 की बात कर रहा है, करें कि इसमें प्रथम रैंक किसका है सकल राष्ट्रीय आय में, तो प्रथम रैंक मेरे भाई बरमूडा का है, किसका, प्रथम रैंक बरमूडा का है, ये भी आपको दिमाग रखना होगा, प्रथम रैंक बरमूडा का है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ सकल आय जो है, राष्ट्रीय आय जो है बरमूडा की कितनी है,
तो 125,220 डॉलर, 220 या 10 डॉलर प्रति व्यक्ति है यहाँ पे, प्रति व्यक्ति है, मतलब 125,210 डॉलर प्रति व्यक्ति है यहाँ पर आय कहाँ की भाई मेरे, तो बरमूडा की। समझ गए हमारी बात को। नंबर वन मतलब पूरी दुनिया में अगर राष्ट्रीय आय के बारे में अगर शीर्ष पर कोई देश है तो कौन है, बरमूडा है। हमारे भारत का कहीं भी किसी भी रैंक से यहाँ आता पता नहीं है कि हमारी भी आय उसमें शामिल है, क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए हैं मेरे दोस्त, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, ये भी दिमाग पे आपको लगाना होगा। अगर आपसे पूछे कि नॉर्वे किस स्थान पे है, स्विट्जरलैंड किस स्थान पे है, तो नॉर्वे आपका थर्ड स्थान पे है और स्विट्जरलैंड आपका फोर्थ स्थान पे है, इसको भी आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। ये अंडर टेन के अंदर नहीं है, ये अंडर टेन के भी अंदर नहीं है, जो मॉरिशस है ये अंडर टेन के भी अंदर नहीं है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है 2024 का जो आंकड़ा आया है GNI की तरफ से, वो बरमूडा नंबर वन देश बना जिसकी इनकम 125,210 डॉलर प्रति व्यक्ति है, इसको भी आपको जानकारी लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ए इज द राइट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, ए इज द राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब सवाल नंबर जो ये लास्ट है, पांच है मेरा, ठीक है, कह रहा कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडाक्यो समूह का संबंध किस देश से है। निहोन हिंडाक्यो जो समूह है उसका संबंध किस देश से है, दक्षिण अफ्रीका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। इस सवाल का जवाब आप दिमाग पे लगाइए मेरे दोस्त, देख लीजिए यह क्या कह रहा है, समझ गए हमारी बात को। शांति के क्षेत्र की अगर यह बात करें तो शांति में यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो चलो आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ, किसकी बात हो रही है मेरे भाई, बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की, किसकी, नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। यहाँ पर गौर करेंगे, नोबेल प्राइज की बात हो रही है। नोबेल प्राइज की अगर शुरुआत मैं करूँ तो आपको 1901 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नोबेल प्राइज उस समय कितने क्षेत्रों में, पांच क्षेत्रों में, पहला क्या था मेरे भाई, शांति का क्षेत्र, दूसरा आपका साहित्य का क्षेत्र, तीसरा आपका भौतिकी का क्षेत्र, गौर करेंगे जरा, चौथा आपका रसायन का क्षेत्र, पांचवा आपका चिकित्सा का क्षेत्र, गौर करेंगे जरा, चिकित्सा का क्षेत्र। ये पांच आपको क्षेत्र में 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज देने की घोषणा कर दी गई। समझ गए हमारी बात को, नोबेल प्राइज गौर करेंगे, नोबेल प्राइज वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। तो क्यों, 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देने की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई, नोबेल प्राइज देने की घोषणा कर दी गई 1968 ईस्वी में। और 1969 ईस्वी में रैगनर फ्रिक्स को पहली बार आपको इकोनॉमिक्स का क्या दिया गया, नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। लेकिन यह कह रहा है कि 2024 का जो ये शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है वो जो निहोन हिंडाक्यो है इसे मिला है, एक संस्था है, संगठन है, या किस देश से संबंधित रखता है। तो आपको मैं लेकर के चलता हूँ एक इतिहास के अंदर, गौर करेंगे जरा। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, द्वितीय वर्ल्ड वार की मैं बात कर रहा हूँ, द्वितीय वर्ल्ड वार, गौर करेंगे जरा। द्वितीय वर्ल्ड वार में 1945 ईस्वी में, गौर करेंगे जरा, 6 अगस्त और 9 अगस्त मेरे भाई मेरे सोना, 1945 ईस्वी में परमाणु बम अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर फेंका था, जापान पे, कहाँ पे, जापान पे, और जापान के नागासाकी हिरोशिमा पे, इन दो जगहों पे परमाणु बम फेंक दिया था, जिस परमाणु बम के चलते नागासाकी हिरोशिमा का इतना विध्वंस हुआ, इतने लोग मारे गए कि आज तक भी वहाँ का वातावरण डैमेज हो चुका है और जो बच्चे जन्म लेते हैं वो हैंडीकैप्टेड जन्म लेते हैं, गौर करेंगे जरा। अब जो निहोन हिंडाक्यो है मेरे भाई, इस निहोन हिंडाक्यो की संस्था का जो जन्म हुआ था 1945 में, तो बम फेंका गया,
1955-56 के अंदर इस निहोन हिंडाक्यो संस्था का गठन होता है, और इस उद्देश्य से गठन होता है क्योंकि ये तड़प चुके थे, इसी स्थिति को देख चुके थे कि बहुत घाटा होता है परमाणु बम का यूज करने से। तो इस जो संस्था है 1956 में जब जन्मी, तो इसका उद्देश्य ही एक ही था कि पूरी दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त देश घोषित करवाना है। मतलब इसका उद्देश्य था परमाणु मुक्त देश घोषित करना है। मतलब जो परमाणु हथियार का यूज कर रहा है देश, उस देश को यूज करने से मना करना है, समझाना है कि परमाणु से बहुत घाटा होता है। तो अब हमारी बात समझ गए होंगे और प्रश्न का उत्तर भी समझ गए होंगे कि 2024 में इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्था को, निहोन हिंडाक्यो को 2024 का नोबेल प्राइज मिला है। और इस संस्था का जो संबंध है वो जापान से है, जो 2024 में शांति का नोबेल प्राइज इसको प्राप्त हुआ है। समझ गए हमारी बात को। तो ये हुआ हमारा जो पांचवा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब जापान होगा। समझ गए मेरे भाई। तो आपके सामने ये मेरा तथ्य, मेरा जो प्रयास था वो कैसा लगा, आप जरूर हमारे सामने कमेंट बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आप देखेंगे वहाँ जरूर जवाब देंगे, थम्सअप करेंगे जरूर, ठीक है। और जाते जाते एक मैं सवाल आपसे करता हूँ, आपको डेली बिल्कुल शाम में जाएगा प्रश्न, हमेशा प्रतिदिन शाम में जाएगा ये प्रश्न, अपवाद की छोड़ दीजिए, कोई समस्या हो गई तो अलग मैटर है, लेकिन जाएगा जरूर। हम अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा आप लोग के लिए ही सोचा करते हैं हम लोग। अब आपको बताना है कि जो हमने YouTube पर शॉर्ट वीडियो में डाला है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, उस ब्रिक्स का सम्मेलन का आयोजन 2024 में किस देश में हो रहा है, इसका आपको जवाब देना होगा। थैंक यू, लव यू मेरे भाई। आप इसी तरह इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।